चाल है। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ घर। मैंने पापा को जो पिछला फोन दिया था ना, उनको लेना है, मतलब थोड़ा नॉर्मल बजट में गिफ्ट करनी है, और साथ में थोड़े बहुत जो काम है वो निपटा के जाने में। तो 10:46 हो रहा है। मेरे को मज़ा तो भाई बाइक पे ही आता है जाने में मुझे दिल्ली में। वैसे भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5 घंटे में अपना निकल जाते हैं। जाम जुम अगर ना मिले तो और जल्दी निकल जाते हैं आराम से। तो वह 12:08 हो रही है। चलो सफ़र में ज़्यादा मतलब दूर का नहीं है यार, दिल्ली से पानीपत इतना वो नहीं लगता, मतलब सिंपल हो जाता बिल्कुल। तो पापा के लिए एक फ़ोन ले रहा हूँ भाई, 8,000 के रेंज में निकलवाया हूँ। ये वीवो का फ़ोन निकाला भाई ने, इसके अंदर इंटरनल वगैरह बढ़िया ही है। मेरे पापा का यूज़ बहुत कम होता है ना, वो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, थोड़ी बहुत फेसबुक पे वीडियो वगैरह, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लेते हैं। और इसका तो कलर भी बढ़िया है, सिल्वर कलर में, और ये 4/64 में 5000 mAh की बैटरी है। पता नहीं कौन सा मॉडल है, मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन 4/64 में 5000 mAh की बैटरी भी है। कब लेके जा रहा हूँ, बस इसका कवर लेना रह गया। पहले पहुँचते हैं घर, बाद में देखते हैं आगे। तो मिठाई और पैक करवा लेते हैं भाई, ये 360 रुपये किलो वाला दूसरा नंबर, ये वाला पीले वाला करवा लेते हैं। फ़ोन तो हो ही गया, साथ में मुँह भी मीठा होना ज़रूरी है ना। तो लेके चलते हैं यहाँ से, फटाक देनी घर पहुँचते हैं। और भाई फाइनली पहुँच गया हूँ घर। बाहर तो पहले आ जाया करता था, भागता हुआ लगता है, मेरे ख्याल से सो रहा होगा या फिर कहीं गया हुआ होगा, नहीं तो अब तक तो भतीजा भाग के आ जाना चाहिए था। चलो अब सामान सामान रखते हैं, पापा को गिफ्ट दिया। और ये आ गया भाई खपीटर बालक, पहले इसका मुहूर्त करवाते हैं, मुँह मीठा, गिराना नहीं है, ध्यान से खा। देख के खुश हो जाता है, मुझे जैसे ही देखता है ना पूरा पूरा खुश हो जाता है। पहले वो वाले निपटा ले फिर लिए। तो बस इधर उधर भागता रहता, बड़ा हो रहा धीरे धीरे। देख इधर देख, तो भाई ये वाला फोन था सैमसंग का, दिया था काफी टाइम पुराना, 1.5-2 साल ला के दिया था। तो ये इसने कर दिया इसका सत्यानाश। तो अभी नया लेके आया हूँ, तो अभी दिखाया तो हूँ आप लोगों को भाई, पता नहीं क्या यार वीवो, ठीक। तो अब आराम से चलाया करेंगे, मेरी वीडियो ज़्यादा चलाते हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, एक व्यूवर से मेरा है ना कम, नेट तार हर किसी के पास है, तो देखते रहते हैं, इनको अपडेट मिलता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ हूँ। तो आज घर में थोड़े रिश्तेदार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सामान ले गया हूँ जस्ट अभी अभी, ठीक है। फिलहाल आइडिया लगा सकते हो। तो उनके खाने से पहले मैं भाई मैं फ्रूट लाने की टेंशन खत्म हो गया अब घर पे, एक दो हफ्ते के लिए तो टेंशन ही खत्म हो गया। और मिठाई के डब्बे में एक लाया था, अब चार चार आ गए, नया रिलेशन जुड़ गया है। बताएंगे बाद में, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को लेकर बाद में। अभी तो खाएंगे तब आगे, भूख लग गई बहुत तेज, फ्रूटी चल भाई फ्रूटी पीते कैंपा का पता। तो चलो भाई थोड़ा सा मार्केट में चलते हैं, थोड़ा सामान लेके आते हैं, मम्मी को लेके जा रहा हूँ। हाँ जो फटाक देने, तो शॉपिंग तो यहाँ चल रही है, गेस कर सकते हो वैसे चाहो तो। आज भाई चिकन बना हुआ है बढ़िया वाला मस्त, घर पे आके ना यही खाने का सबसे ज़्यादा सुख मिलता है। तो चलो फटाफट निपटा देते हैं। तो आज तो यार पूरा दिन भाग दौड़ में रह गया, सवेरे 10:45 चला था दिल्ली से, और डाइट वगैरह लिया नहीं था, बस प्रोटीन और फ्रूट पी के, फ्रूट मतलब खा के प्रोटीन पी के चला था। टाइम से पहुंच गया था 12:30, फिर यहाँ से इधर उधर भागने में रह गया। घर पे आज थोड़े गेस्ट आए हुए थे जिनके साथ न्यू रिलेशनशिप बनी है, रिलेटिव बन गए अब। इस माथे पर जो टीका लगा हुआ है ना, इसका एक रीज़न है, आप लोग गेस करो कि क्या हुआ है।
बाद में बताऊंगा, अभी समझ लो ऐसा सरप्राइज है। तो बस अब फटाफट फिर कल वापस निकलना दिल्ली के लिए, क्योंकि भाई गुरुजी को ज्वाइन किया हूँ तो अब छुट्टी वगैरह मारूंगा नहीं। मैं पहले भी जिम की बहुत स्किप कर चुका हूँ जिम, तो अब पूरा प्रॉपर ध्यान बॉडी पे लगाना है। तो बस रात में भी खाना भी ना खाऊँ, पेट फूला है, नींद भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो गई थी। पहले तो देसी वर्कआउट लगाया, सारे सपाटे वगैरह, टायर उठाए, कस्सी चलाए, रोंदा चलाया, फिर शाम को जाके जिम में भी वर्कआउट लगाया था। मैं चेस्ट की कंप्लीट वर्कआउट लगाया था और बैक की दो वर्कआउट लगाया था, यानी कि कल पूरी थकावट, जो कहते हैं ना कि मसल्स फेलवर, यहाँ तक कि सारा जितना भी एनर्जी था सब सब बिल्कुल बढ़िया वाला, हर जगह मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी। तो बस अब चलो फटाफट सोते हैं। कैसा लगा वीडियो लाइक कमेंट शेयर करके बताना, जो भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग गेस्ट का गेस करो कि टीके का रीज़न क्या है।